छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस पॉन्ड की सिटी और जितनी बातें यहां पर हो रही है लगभग छत्तीसगढ़ उन सब चीजों को कर रहा है। ऐसे स्टेट में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी यूपी सिंह साहब, दीनदयाल सोच संस्थान के जैन, हमारे विभाग के सचिव जिनके नेतृत्व में आज ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, ऐसे सोनमणि वोरा जी, अनुपमा मधोक जी, एबी पांडे जी, हमारे विभाग के प्रशासनिक प्रमुख श्री, सभी देश भर से आए एक्सपर्ट साइंटिस्ट इंजीनियर और अधिकारी, हम जल चिंतन अगर हम देखें तो हमारे देश में हमारे वेद पुराणों में कहीं पर सरोवर की चिंता होती है, कहीं पर नदियों की बात होती है और हमारा जीवन सृष्टि और प्रकृति बिना पानी के नहीं चल सकती। हम ये कविताओं के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, हमारे बुजुर्गों के माध्यम से लगातार सुनते रहे। आखिर आज ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि हमको पानी को लेकर चिंता करनी पड़ रही है, इसके बारे में पूरे देश भर में विश्वपुरुष में भी हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पानी के जितने सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को हमको प्रचलित करने की जरूरत है, उन सोर्सेज को हमने बंद कर दिया। अतुल जी से भी बात कर रहा था, सिंह साहब से भी बात कर रहा था कि हमने प्रकृति के साथ में न्याय नहीं किया, हमने अपने हितों के लिए जंगलों को काटा अपने हितों के लिए। हमारे रायपुर शहर में पानी की कमी क्यों नहीं होती थी, पहले खाली प्लॉट पड़े होते थे, बरसात का पानी उसमें भर जाता था और सब जगह वाटर टेबल बढ़ जाता था। अभी जो यूपी सिंह साहब ने कहा कि आज कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं और कंक्रीट के जंगल इस पानी की समस्या को पैदा कर रहे हैं। गांव छत्तीसगढ़ में कोई भी सबसे पहली डिमांड आती सीसी रोड, कि सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाओ, और कंक्रीट की रोड बनती है तो गांव में रिचार्ज सिस्टम तो पूरी तरह खत्म हो गया और चारों तरफ आजकल ये स्थिति चल रही है। तो अगर हमको पानी के बारे में चिंता करना है, मैं भी बात कर रहा था अतुल जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बैठे हैं, कि हमारे जितने नदी नाले हैं उन नदी नालों को रिवाइव करने के लिए कभी आज तक मुझे लगता है कि कोई प्रयास नहीं हुआ है। हम मनरेगा में भी पैसा देते हैं, अरबों रुपए देते हैं, पर क्या कभी नालों के गहरीकरण के लिए, नालों के चौड़ीकरण के लिए, या शहर और गांव के पास में बहने वाली नदी जो है वो पूरी तरह उथली हो गई है, आज वहां पर पानी क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि वाटर डाइजेस्ट को भी इस बारे में बातचीत चर्चा, और जैसे हम मिनिस्टर हैं तो हमारे पास में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं कि साहब ये वाटर रिचार्जिंग के लिए, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने नया तरीका ईजाद किया है, और ये नया तरीका है आप देखिए इसको, आप अपने स्टेट में लागू करिए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे विभाग काम कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा वाटर डाइजेस्ट को कि पूरे देश में इसके लिए जो भी इनोवेटिव काम हो रहा है, जो भी सिस्टम हो रहा है, एसटीपी इसका समाधान नहीं है क्योंकि एसटीपी तो इतना महंगा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक एसटीपी लगा है और लगाने की योजना 50 एसटीपी की है, तो एसटीपी से काम चलने वाला। मैं रायपुर की आपको बात बताता हूं कि रायपुर में ऐसे 10 पॉन्ड हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुराने जमाने में पुराने लोग तो आपके जैसे इंजीनियर भी नहीं थे, साइंटिस्ट भी नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी नहीं थे, परंतु उन्होंने तालाबों की ऐसी श्रृंखला बनाई कि पहले ऊपर तालाब, फिर उसके नीचे तालाब, फिर उसके नीचे तालाब, फिर उसके नीचे तालाब। हमारा एक खाली रतनपुर नामक स्थान है, देवी का स्थान है, उस रतनपुर गांव में 150 तालाब किला है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की तो पूरा पॉन्ड्स की संस्कृति है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में
ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई स्क्वेरसिटी पानी की नहीं हुई है। आज हमको आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम आज खराब पानी, गंदे पानी या सीवर वाटर का ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम सस्ते तरीके क्यों ईजाद नहीं कर सकते। आखिर सस्ते तरीके ईजाद कर और तरीके हैं हमारे यहां, परंतु उन तरीकों को कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम कोयला डालकर, हम नमक डालकर, हम डालकर और उसको हम फिल्टर ट्रीटमेंट कर और उस पानी को हम ले जाएं। उसके ऊपर में नीरी ने इसका प्रयोग भी किया कि ऊपर में घास लगा दी, पर इसके बारे में जब भी कोई बात होगी या अधिकारी बात करेंगे, सर यहां तो एसटीपी लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर हमको पॉन्ड्स, उनके सोर्सेज बंद हो गए, उनके सोर्स को खोजना, नदियों के सोर्स को खोजना और नालों को, नदी को, पॉन्ड्स को, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, इस बात की जरूरत है कि 1951 हमारे हर व्यक्ति के लिए हमारे पास में 5500 घन मीटर पानी था, तो आज वो 1500 घन मीटर हमारे पास रह गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसमें कहीं ना कहीं पानी की कमी के लिए, जैसा सिंह साहब बोल रहे थे, पानी उतना ही है परंतु उस पानी को हम कम कर रहे हैं। अब हमारे डैम्स हैं, हमारे पॉन्ड्स हैं, वहां पर सिल्टिंग हो गई है। आज तक मुझे लगता है कि सिल्टिंग को साफ करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई योजना या कोई फंड्स की स्थिति आज तक नहीं है। हमारे बड़े बड़े, हमारे ऐसे भी डैम्स हैं जो डैम्स 2.5-3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करते हैं। आज उनकी कैपेसिटी, अभी आजकल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बहुत विवाद चल रहा है महानदी को लेकर। अगर हीराकुंड डैम की 10% सिल्ट निकाल दिया जाए तो 10% उसकी पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो हम कैसे स्टोरेज को, बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा कैसे रोक सकते हैं? आज हमारे कोई नई आपको संरचना बनाने की जरूरत नहीं है। नदी तो आपकी रहने वाली हमेशा 12 महीना है, आपके नाले भी खुदे हुए हैं। अगर उन्हीं में आपने पानी रोक लिया बरसात का, तो आप लोगों के लिए पानी की कमी को दूर कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए, कि पानी रोकना मतलब आप वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए पानी को आप स्टोरेज भी कर रहे हैं। अगर इस काम को हम करना शुरू करें, एक ये बहुत अच्छी बात कि हमारे पीएचई के यहां पर ईएनसी भी बैठे हैं, कि जो पुराने ट्यूबवेल्स हैं जो बंद हो गए हैं, उनके माध्यम से रिचार्जिंग, कि उनमें हम पानी